लखनऊ पुलिस कमिश्नर SP सरलकर के निर्देशानुसार लगातार अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है और इन्हीं कोशिशों के साथ लगातार अपराध करने वाले आरोपियों तक सुराग लगाकर या मुखबिर की सूचना या सर्विलांस की टीम के माध्यम से पकड़ ही लेती है। ऐसा ही मामला राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज का है, जहां एक हत्यारोपी अपनी पत्नी की हत्या कर वांछित था और फरार चल रहा था। पुलिस ने आज सर्विलांस टीम और मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले 302 में मुकदमा लिखा गया था, तब से लगातार इस वांछित अभियुक्त की जो है तलाश थी। ऐसे में बताया जा रहा था कि लगातार उसको पुलिस ट्रेस कर रही थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। जी, 5 दिसंबर को थाना ठाकुरगंज के कैंपल रोड पर एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी, जिसके संबंध में उसके भाई अमन द्वारा ये तहरीर दिया गया कि उसके बहनोई के द्वारा ही उसकी बहन की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में थाना ठाकुरगंज पर 302 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्काल सारे फोरेंसिक यूनिट और डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट और सारी जो है हमारी साइंटिफिक जो भी यूनिट थी, क्राइम ब्रांच, सबको जो है बुलाकर घटना से निरीक्षण किया गया। तो वहाँ पर ये पाया गया कि चाकुओं से गोदकर हत्या हुई है, उसके हाथ और पैर भी बंधे थे और DBR भी गायब था। CCTV फुटेज का कलेक्शन किया गया, जो कि बाहर जो लोग लगाए थे अपने घरों पे, वहाँ से कुछ मिला। तो ये पता चला कि ये घटना के करीब 1 बजे के लगभग की घटना पाई गई। ये अभियुक्त आज गिरफ्तार हुआ है और इससे पूछताछ में इसने बताया कि इसने घटना बड़े सुनियोजित तरीके से किया, जिसमें कि अपने दोनों बच्चों को इसने बेहोशी की दवा दिया, क्योंकि ये पेशे से MR है और फिजियोथेरेपिस्ट भी है, तो इसको दवाओं की जानकारी थी। तो इसलिए इसने जो है उनको नशे की दवा दे दिया, ताकि उनको जो है जानकारी ना हो सके। और बड़ा बेटा चूँकि वो सो रहा था और गूंगा बहरा है, तो उसको जानकारी वैसे भी नहीं होती, तो नशे की दवा उसको दिया और छोटे बेटे को स्कूल भेज दिया। इस बीच में इसने अपनी पत्नी से, जो कि पहले से ही इन लोगों के बीच में पैसों को लेन देन को लेकर के, और ये जो कि शराब पीने का भी आदि था, तो इस तरह से झगड़ा विवाद होता रहता था। इसके साथ ही एक और भी बात इसने बताया कि दोनों पति पत्नी में आपस में अवैध संबंधों को लेकर की आशंका बनी रहती थी, इसको लेकर विवाद होता रहता था, वो भी एक कारण था इनके बीच में। और उसके तहत उसने उस दिन किचन में रखे चाकू से ही इसको गोद करके हत्या कर दी और उसके बाद ये फरार हो गया। आज ये गिरफ्तार किया गया है। हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और सर्विलांस टीम ने इसका सारा जो है डिटेल्स कलेक्ट करके और इसका ट्रैक करके आज इसको जो है गिरफ्तार किया है और इसको हम लोग जेल भेज रहे हैं। कहाँ से सर गिरफ्तारी हुई है और क्या झगड़ा भी हुआ था उस दिन जिस दिन हत्या की थी? जी बिल्कुल, झगड़ा हुआ था जब ये इन दोनों लोगों के पति पत्नी के बीच में, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये अवैध संबंधों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे और इनके पहले से चूंकि मनमुटाव परिवार में चल भी रहा था, तो उस दिन भी झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद जो है ये घटना को अंजाम दिया गया। ये है कि इसके दिमाग में पहले से इस तरह की बातें थी कि हमें इस तरह का करना है, जिससे कि इसने ये नशे की गोली और ये सारा सब दे करके इसने घटना को अंजाम दिया है। जी अकेले ही तो इसने घटना को अंजाम दिया, किसी ने सहयोग नहीं, अकेले ही दिया और ये अकेले ही जो है रहा भी, यहाँ से भाग करके कलकत्ता गया, वहाँ से वाराणसी गया और फिर ये यहाँ लखनऊ जो है आ रहा था, तो ये अरेस्ट किया गया है। सर, जैसा कि अवैध संबंधों की का जिक्र आपने किया, तो क्या इस युवक का जिस युवती के साथ अवैध संबंध था, क्या उसकी संलिप्तता भी है या क्या पूछताछ में उसने कुछ बताया है? नहीं, ऐसी कोई, देखिए मैंने कहा कि आशंका थी, संलिप्तता की बात अभी कहीं नहीं है। इन दोनों ही पति पत्नी को एक दूसरे पर आशंका थी, पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर, और इसको लेकर भी विवाद का ये भी एक कारण था। जानकारी ये भी मिली है, DCP पश्चिम राहुल राज ने बताया है कि हत्यारोपी जो है वो उसका पति था और ये पूरी योजना बनाकर काम किया गया था। पेशे से ये फिजियोथेरेपिस्ट है, जो फिजियोथेरेपिस्ट का काम करता था।
ऐसे में लगातार पुलिस उसके छापेमारी कर रही थी, जिसे आज पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। कैमरामैन लकी सिंह के साथ मैं सत्येंद्र शर्मा, लाइव इंडिया न्यूज़, लखनऊ।